वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। गायनोकोमास्टिया और गायनोकोमास्टिया का बिना सर्जरी के इलाज, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाकर सिलेक्ट ऑल कर लेना है ताकि हमारे जो भी वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, गायनोकोमास्टिया जो होता है इसके बहुत सारे कारण हैं और लोग जनरली इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चेस्ट फैट होता है और गायनोकोमास्टिया के बीच में कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट रहता है और ज़्यादातर लोग जिनको चेस्ट फैट होता है वो उसको मेन बूब्स या गायनोकोमास्टिया मान लेते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, देखिए जो चेस्ट फैट होता है उसको अगर आप टच करेंगे तो वो सॉफ्ट फैट होता है। जैसे सॉफ्ट फैट होता है हमारे पेट में जिस तरह का फैट है, इसी तरह का फैट चेस्ट पे आ जाता है। जबकि गायनोकोमास्टिया जो होता है वो ज़्यादातर निप्पल पर आता है और वो हार्ड एक लंप गांठ जैसा होता है, वो गायनोकोमास्टिया कहलाता है। और गायनोकोमास्टिया एक रेयर डिजीज़ है, इसके बहुत सारे कारण है। अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो लोग पीते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे टीनेजर में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि टीनेजर में जब हार्मोनल बैलेंस जो चेंज होता है, एक एज आती है हमारे 13-14 साल की जब उम्र होती है, जब फीमेल में फीमेल हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन बढ़ने लगता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, तो मेल में मेल की एक्टिविटीज आने लगती हैं, मेल की लुक आने लगती है, थोड़ी दाढ़ी मूछें इस तरह की चीजें, और फीमेल में प्यूबर्टी और थोड़ा सा ब्रेस्ट वगैरह आने लगते हैं। जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तब मेल में ये गायनोकोमास्टिया यानी मेन बूब्स की प्रॉब्लम आने लगती है और फीमेल में भी अपर लिप हेयर वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। अब इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपको गायनोकोमास्टिया है या फैट सेल है, ये नॉर्मल है। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर हम अपनी बॉडी का ओवरऑल फैट कम कर लें। तो फैट हर किसी का अलग अलग जगह डिपॉजिट होता है, किसी का चेस्ट पे डिपॉजिट होता है, किसी का स्टमक पे डिपॉजिट होता है, कई लोगों के थाइस पे डिपॉजिट होता है। तो आपके अगर चेस्ट पे फैट डिपॉजिट हो गया है तो अगर हम पूरी ही बॉडी का ओवरऑल फैट रिड्यूस कर लें तो क्या होगा कि अगर ये चेस्ट फैट भी आया है ये भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और जिस चीज को लेकर आप परेशान हो रहे हैं कि ये गायनोकोमास्टिया है वो भी रिड्यूस होने लगेगी। तो फैट कम कैसे करना है, देखिए इसके लिए पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने एक एपिसोड अपलोड किया था जिसमें एक हर्बल पाउडर हमने बनाया था वज़न कम करने का, गेट स्लिम पाउडर। ये आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उस वीडियो की लिंक मिली हुई है, वो वीडियो आप देख लें और वो पाउडर आपको बना लेना है। ये पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक गिलास पानी में 1.5 चम्मच पाउडर ये रात में सोख करके भिगो करके रख देना है और सुबह इसको बॉईल करना है, बॉईल करके हाफ कर देना है, आधा ग्लास कर देना है और थोड़ा गर्म गर्म ही इस पानी का आपको सेवन कर लेना है, यानी कि ये गेट स्लिम पाउडर को इस तरह से आपको पी लेना है। ये पीने के बाद आपके अगर टमी पे जो फैट होता है ना, जो नया नया फैट आया होता है वो थोड़ा लूज मोशन के थ्रू निकलता है, तो 1-2 दिन आपको लूज मोशन हो सकते हैं। इसका आप प्रयोग करेंगे, ओवरऑल बॉडी का जो फैट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और जो गायनोकोमास्टिया की आपकी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। एक और कंफ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में कि चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं करनी, चेस्ट वर्कआउट नहीं करना है क्योंकि गायनोकोमास्टिया ऑलरेडी है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपको चेस्ट का वर्कआउट करना है, लेकिन करना कैसे है उसके लिए आपको एक लेप बनाना है पहले। उस लेप के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच चूना, जो पान वाले के पास आपको चूना मिलता है, 1 चम्मच चूना लेना है, 2 चम्मच हल्दी लेनी है और इसको 1 कप पानी में आपको घोल लेना है। घोलने के बाद ये एक रेड कलर का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, इस मिक्सचर को आपको गर्म कर लेना है। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो एक थिक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा और ये पेस्ट आपको अपने चेस्ट एरिया पे अप्लाई कर लेना है, थोड़ा गर्म ही अप्लाई करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। याद रखिए ये जो फैट सेल होते हैं गर्मी से फैट पिघलता है, तो जब फैट पिघलता है उसके बाद जब गर्मी खत्म हो जाती है वापस से जमने लगता है, तो इसको जब आप लगाएंगे तो फैट पिघलेगा और उस समय जब आप वर्कआउट करेंगे तो वो फैट वापस नहीं जम पाएगा, वो निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये लेप लगा लेना है और उसके बाद चेस्ट वर्कआउट जो होता है, आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कौन सा चेस्ट वर्कआउट आपको करना है। फिलहाल जो भी आप करते हैं चेस्ट के लिए, जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज आप करें और आप देखेंगे कि 1 से 3 महीने के अंदर अंदर बिना किसी सर्जरी के आपको गायनोकोमास्टिया की जो प्रॉब्लम है उसमें आराम आने लगेगा। 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा और ईस्ट्रोजन यानी कि फीमेल हार्मोन, तो ये प्रॉब्लम आती है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्या करना है, अश्वगंधा पाउडर ले लें आप,
बड़ी आसानी से अवेलेबल है। रात को सोते समय एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल करें, और जो भी लेग की एक्सरसाइज होती है जैसे उठक बैठक जिसको कहते हैं हम लोग, वो अगर करते हैं तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। इसके अलावा बाह्य प्राणायाम, ये भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। ये सारी एक्सरसाइज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आने वाले एपिसोड्स में हम इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा एक नेचुरोपैथिक डाइट प्लान को जरूर फॉलो करें। 90 डेज के लिए नेचुरोपैथिक डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ये जो गायनोकोमास्टिया की प्रॉब्लम है बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाती है। अब ये नेचुरोपैथिक डाइट प्लान क्या है, कीगल एक्सरसाइज क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है। जय हिंद।